शाम के टाइम हर एक स्त्री के दिमाग में होता है कि आज रात के खाने के लिए क्या बनाएं। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया सी रेसिपी लेके आई हूँ। एकदम लजीज ये रेसिपी है, आपके बच्चे और आपके घर वालों को सबको ये पसंद आएगी। बोलेंगे हर रोज़ इसे बनाओगे, हम रोज़ इसे खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट ये रेसिपी कैसे बनती है। तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे मैंने 1 कप बासमती राइस लिए हैं और ये पुलाव के राइस है, ये बड़े आते हैं और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा होता है। तो 1 कप यहाँ पे लिया है मैंने और इसे मैंने 3 से 4 बार पानी की मदद से साफ़ कर लिया है, जिससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो भी कचरा होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 कप पानी डाल के इस चावल को हम भिगोएंगे 15 मिनट के लिए। इसे भिगोना है, इससे ज़्यादा इसे नहीं भिगोना है। तब तक यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इस पनीर के हम मीडियम साइज के टुकड़े कर देंगे। एक बाउल में यहाँ पे आधा कप दही लिया है, उसमें आधी छोटी चम्मच लाल कश्मीरी पाउडर डाला है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाला है। उसके बाद इसे मिक्स कर देंगे। पनीर के जो टुकड़े हमने किए थे उसको दही में डाल देंगे और पनीर के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए दही की, उस तरह से हमें इसे मिक्स करना है। इस पनीर को हमें मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे मैंने पनीर को आधे घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था, तो जो पनीर है वो दही और मसाले को एब्जॉर्ब कर देगा और इसका टेस्ट इस पुलाव में बहुत अच्छा आएगा। तो इसे स्किप नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट दुगना हो जाएगा इस पुलाव का। बड़े चम्मच तेल डाल के इसे गरम किया है। उसके बाद जो पनीर मैरिनेट हो गया था उसके 1-1 क्यूब हम इसमें डालेंगे और इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकेंगे, जब तक पनीर के ऊपर ब्राउन कलर की लेयर ना हो जाए तब तक हम इसे सेकेंगे। और इसे हमें एकदम धीमी आंच पे ही फ्राई करना है और जो 2 बड़े चम्मच जितना यहाँ पे दही रह चुका है उसे हम बाद में पुलाव में ऐड करेंगे। इससे पुलाव खट्टा नहीं होगा पर इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे फ्राई भी पनीर हो रहा है, तो हमें इसके पलट देना है और पलटते पलटते ही इस तरह से ब्राउन कलर का ऊपर एक लेयर आ जाए तब तक दोनों साइड से हमें फ्राई करना है। पनीर का एकदम ब्राउन लेयर आ चुका है, तो गैस बंद कर देंगे और एक कुकर लेंगे। कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल डालना है, उसके बाद तेल को गर्म होने देना है। तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद आधी छोटी चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून हींग डाला है, फूल चक्र डाला है, तज का छोटा सा टुकड़ा डाला है और 3 लौंग डाले हैं और 1 बड़ा सा तेज पत्ता डाला है। इन सबको भून लेंगे इसके अंदर। इन सब प्रोसेस में गैस की आंच एकदम धीमी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटी चम्मच घी डाला है, ये देसी घी है, उसकी वजह से इस पुलाव का टेस्ट और भी एनहेंस होगा। उसके बाद लहसुन डाला है, तो ये लहसुन मैंने 2 बड़े चम्मच डाला है, आप अदरक भी डाल सकते हो। तो लहसुन को इस तरह से मैंने कूट लिया है, उसके बाद डाला है। 1/4 कप प्याज डाला है, 1/4 कप जो फणसी आती है वो डाली है, यानी कि बीन्स इसे बोलते हैं। 1/4 कप गाजर डाला है, 1/4 कप यहाँ पे ग्रीन वाले कैप्सिकम डाले हैं, आप यहाँ पे मटर भी डाल सकते हो आपके पास हो तो। इन सबको हम मिला देंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे, एकदम धीमी आंच पर ही हमें इसे भूनना है। नमक डाला है और नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। नमक से क्या होगा
कि ये जो प्याज और ये कैप्सिकम सब है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच नमक डाला है। उसके बाद जो हमने मैरिनेट किया हुआ पनीर फ्राई किया था वो भी इसमें डाल देंगे। इसे भी हम एक बार मिक्स कर देंगे। पाउडर मसाले डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर और आधी छोटी चम्मच फिर से यहाँ पे नमक डालेंगे और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला भी ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमने चावल भिगोए थे उसे डाल देंगे, वो पानी हम निकाल देंगे, उसके बाद चावल डाल देंगे। हल्के हाथों से इसे मिक्स कर देंगे और ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना है। इसके बाद जो दही मैरिनेट किया हुआ पनीर वाला दही था वो इसमें डाल देंगे और उसके बाद पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपको किस तरह से लेना है, जैसे आपने 1 गिलास चावल ली हो तो आपको 1.5 गिलास इसमें पानी डालना है, और मैंने यहाँ पे 1 कप चावल लिए हैं तो मैं 1.5 कप इसमें पानी डालूंगी। इस तरह से आपको माप रखना है, और इस तरह से आप माप रखेंगे तो आपके जो चावल है एकदम खिले खिले बनेंगे, वरना खिचड़ी जैसे ये हो जाएंगे। तो इसका माप ज़रूरी है इस तरह से डालने का। एक बार फिर से हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके 1 विसल आएंगी तब तक हमें पकाना है, और गैस की आंच हमें यहाँ पे फुल ही रखनी है। फुल आंच पे 1 सीटी आ जाए तब हमें गैस बंद कर देना है, और कुकर को तुरंत हमें नहीं खोलना है, जब तक उसमें से जो प्रेशर है वो अपने आप निकल ना जाए तब तक हमें इस नहीं खोलना है। इस तरह से आप पुलाव बनाओगे तो आपका पुलाव एकदम खिला खिला होगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है, तो ज़रूर इस तरह से ट्राई करना। 1 विसल होने के बाद पूरी प्रेशर इसमें से निकलने के बाद आप देख सकते हो कि चावल पक गए हैं और एकदम खिले खिले चावल बने हैं, एकदम अलग अलग चावल है, चिपके हुए नहीं हैं एक दूसरे से। आपके साथ आप चावल बनाओगे ये पुलाव तो बहुत अच्छा बनेगा और टेस्टी भी इतना ही बनता है। आप यहाँ पे जब हमने तड़का लगाया था उसी टाइम पे आप काजू के टुकड़े भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने काजू के टुकड़े इसमें नहीं डाले, अलग से मैंने इसे फ्राई किया था, जो पनीर फ्राई किया था उसी पैन में मैंने फ्राई किया था। तो ऊपर से मैं गार्निशिंग के लिए काजू के टुकड़े डाल दूंगी। आप यहाँ पे किशमिश भी डाल सकते हो फ्राई करके, क्योंकि पुलाव में थोड़े से काजू हो तो अच्छा लगता है टेस्ट में भी। और इसे आप सर्व करिए गर्मा गर्म और एंजॉय करिए। तो ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, मेरी चैनल कुक विद शगुन को सब्सक्राइब कर देना जो बिल्कुल फ्री है, और थोड़ा सा भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।